हेलो स्टूडेंट्स आज हम बेकमन रीअरेंजमेंट के बारे में स्टडी करने वाले हैं आज हम उसका मैकेनिज्म उसका एप्लीकेशन और उसकी जनरल रिएक्शन के बारे में जानेंगे तो चलिए शुरू करते हैं द एसिड कैटेलाइज्ड कन्वर्जन ऑफ किटोक्साइम्स टू अनसब्स्टिट्यूटेड अमाइड्स इज नोन एज बेकमन रीअरेंजमेंट हियर वी कैन सी दिस इज आवर किटोक्म एसिड कैटेलाइज इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड इट इज कन्वर्टेड इन टू दी N substituted amides here we can see here N substituted amide is known as Beckman rearrangement. The reaction involves the migration of group from carbon here we can see here carbon to electron deficient nitrogen is known as Beckman rearrangement. Okay, the reaction is catalyzed by acidic reagents. एज़ एच टी एसो फोर एसओ सी एल टू एसओ थ्री पी टू ओ फाइव पी सी एल फाइव देन सी सिक्स एच फाइव एसओ टू सी एल एक्सेट्रा ओके तो चलिए इसका मैकेनिज्म इज द मैकेनिजम ऑफ बेकमन रिअरेंजमेंट हियर लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन टेक्स एच प्लस फ्रॉम द एसिड लाइक दिस Here is the formation of OH2 plus. So, H2 is a good leaving group. So, it uh, lived li uh, like this. So, here is the formation of N plus. That means electron deficient nitrogen. Then, this R is rearranged like this. It goes here like this. So the formation of these intermediate here is the formation of carbocation takes place. Then in the presence of otter, otter lone pair of oxygen attacks on the carbocation. So again formation of H2O plus. Then here H plus is removed. That means minus H plus it gives R C O H N R. then after the rearrangement like this here we can see here is okay here and here is formation of n minus so this h plus goes here so the formation of n substituted n substituted amides is formed like this तो so, यहाँ पे हमारा एक सवाल आता है कि आ, यहाँ पे हम देखेंगे इट कैन ऑल्सो माइग्रेटेड ओके सो एक ग्रुप ग्रुप भी माइग्रेट हो सकता था लेकिन ये ग्रुप ये हमारा अल्किल ग्रुप ही माइग्रेट हुआ इसका कारण हम देखेंगे पिछले वीडियोस में हमने देखा कि एक माइग्रेटरी एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड होता है लाइक हमने बेयर रिलीजियर रिएक्शन में देखा था कि टर्शरी ग्रुप इजिली माइग्रेट होता है देन दी सेकेंडरी, देन दी प्राइमरी और देन मिथाइल ग्रुप ओके okay. तो इसमें भी एक माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है लेकिन ये एक अलग तरह तो का होता है इसके बारे में आ, मैं आपको बताऊंगा सो इट इज अ स्पेसि इट इज अ स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन इसमें क्या होता है कि माइग्रेशन ऑफ द ग्रुप डिपेंड्स नॉट ऑन द माइग्रेशनल एप्टीट्यूड बट अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ द ग्रुप इन द रिलेशन टू द ओएच ग्रुप रिलेशन टू द ओएच ग्रुप

एंटी और ट्रांस टू दिज हाइड्रोक्ल ग्रुप सो दिस इज द सिंपल माइग्रेशनल एप्टीट्यूड विच इज डिपेंड ऑन दरिएंटेशन ऑफ द ग्रुप इन रिलेशन टू द्रुप ओके तो चलिए इसका एप्लीकेशन देखते वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन इज द कॉन्फिग्रेशन ऑफ केटॉक्साइम असाइन अब ये जो एप्लीकेशन है वो हमारे माइग्रेशनल एप्टीट्यूड में एप्टीट्यूड में बेस्ड है यहाँ पे हम देखेंगे हे हमारा है, लेकिन इसका कॉन्फिग्रेशन हमें पता नहीं है बिल्कुल भी जब हम उसकी बेकमन रिअरेंजमेंट करते हैं, तो हमारा ए आर ग्रुप ट्रांसफर होता है और आफ्टर द हाइड्रोलाइसिस इट गिव्स एनिलीन एंड और एसिड सो इस रिएक्शन के बाद हमें पता चलता है कि हमारे किटॉक्जाइम का कॉन्फिग्रेशन क्या था यानी कि uh, कौन सा आर ग्रुप ओ OH एच को एंटी था और ट्रांस था तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा ये जो आर ग्रुप है वो माइग्रेट हुआ है इसका मतलब ये जो आर ग्रुप है वो हमारे हाँ ओएच को एंटी था सो so इससे क्या होता है कि हमारा कॉन्फिग्रेशन क्यितो, किटोजाइन का हम कॉन्फिग्रेशन निकाल सकते हैं तो so ये था हमारा किटोगजाइम ये देखिए ये आर ग्रुप इसको एंटी है सो so ये माइग्रेट हो गया और हमारी रिएक्शन कैरड आउट हो गई तो ये थी हमारी आज की रिएक्शन बेकमन रिअरेंजमेंट थैंक्स फॉर वॉचिंग